चलिए बढ़ते आगे। जहां प्रदेश की सियासत में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए अफसर भी चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में ऐसा देखा जा रहा है। करनाल की नीलोखेड़ी विधानसभा में भी एक बड़े रिटायर सरकारी अफसर रमेश कुमार कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने नीलोखेड़ी में जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी किया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक नई बात ये सामने आ रही है कि सरकारी नौकरी से रिटायर हो रहे या रिटायर हो चुके कई अफसर चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। इनमें क्लास वन अफसर यानी बड़े अफसर ज्यादा हैं। करनाल की रिजर्व सीट नीलोखेड़ी विधानसभा से पब्लिक हेल्थ से एससी रिटायर हुए रमेश कुमार अब रमेश फूले बनकर चुनावी मैदान में कूद गए हैं। उनके रमेश फूले जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। रमेश फूले भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों से मिल रहे हैं, यानी सद्भाव कांग्रेस। गौरतलब है कि पानीपत में कई साल एक्सियन रहे रमेश कुमार एससी यानी अधीक्षक अभियंता के पद से रिटायर हुए हैं। उनके समर्थन में उमड़ी भीड़ से नीलोखेड़ी में स्थापित नेता भी सत्ते में है, चाहे वो मौजूदा निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर हो या पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी। अगर हम इसको महिला सशक्तिकरण को, मेरे को बोला है 2 मिनट से ज्यादा समय ना दे, तो मैं महिला सशक्तिकरण के लिए ये बताना चाहूंगा, अगर इसको हम बिल्कुल सरल भाषा में पारिभाषित करें तो यह महिलाओं को एक शक्तिशाली बनाने का एक प्रक्रिया है। गौरतलब है कि रिजर्व सीट नीलोखेड़ी विधानसभा में कुल 2,32,263 वोटर्स और नीलोखेड़ी कस्बे के अलावा विधानसभा में 72 गांव पड़ते हैं। रमेश फूले गांव-गांव जाकर दस्तक दे रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है और समर्थकों में जोश दिख रहा है, उससे लगता है कि चुनाव की तैयारी में लगे दावेदारों और नेताओं के समीकरण बिगड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार चुनाव रेत की दीवार की साबित होता है। सहयोगी डिंपी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, नीलोखेड़ी, करनाल।